कैप्टन बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। क्या चेंजेस की गई हैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पे लाइव मैच देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने छोटा सा काम करना है, आपने वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन, उसको क्लिक कर देना है। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही एक अच्छी टीम्स है, दोनों में बड़ा कंपटीशन होने वाला है। दोनों ने ही फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सो प्लेइंग 11 पाकिस्तान की कुछ इस तरह है। बाबर आजम ओपन करेंगे, आउट ऑफ फॉर्म है। मोहम्मद रिजवान इन फॉर्म प्लेयर हैं, विकेट कीपर हैं, साथ ही आउट ऑफ फॉर्म फ़खर जमान, कहीं ना कहीं बेहतर बैटिंग की। इफ्तिखार अहमद ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुश दिल शाह की अब तक एवरेज परफॉर्मेंस रही। आसिफ अली अपनी सिक्स सेटिंग को मेंटेन कर रहे हैं। वहीं मोहम्मद नवाज एज आर राउंडर बड़े ज़बरदस्त है। शद्दाब खान भी एज आर राउंडर बड़े मोटिवेट कर रहे हैं सबको। हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस एवरेज है। नसीम शाह की परफॉर्मेंस विद द बैट विद द बॉल आउटस्टैंडिंग है। वहीं मोहम्मद हसनैन की परफॉर्मेंस एवरेज है, जिसको बाबर आजम निकाल के इनकी जगह हसन अली को शामिल करना चाहते हैं, पर टीम मैनेजमेंट चाहती है कि मोहम्मद हसनैन को ही चांस दिया जाए। सो क्या मोहम्मद हसनैन को खेलना चाहिए या हसन अली को, कमेंट्स के अंदर अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।